एक इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, ये जीरो जीरो है। जब टाइम टी गुजरता है इसकी कंसंट्रेशन ए है, इसकी बी है और इसकी सी है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो पहला रिएक्शन है इसकी रेट इक्वेशन लिखें, इस पहले रिएक्शन की रेट इक्वेशन लिखें, तो रेट इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है? पहले तो ये है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम, रेट लिखने का तरीका ये है, डिक्रीज को माइनस से शो करते हैं, इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इस पहले रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है? ए, रिएक्टेंट ए है। तो हम क्या करते होते हैं, हम रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बन गया के वन ए। मैं लिखूंगा माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के वन ए। एक तरीका तो ये है रेट लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे माइनस डी ए लिखा है, यहाँ पे कर दें प्लस डी बी, क्योंकि बी बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है बी की क्वांटिटी। तो फिर भी हम तो दो तरीके हैं, या तो डी ए लिखें डी ए बाई डी टी माइनस की साइन के साथ, या प्लस डी बी और डी टी लिखें प्लस की साइन के साथ लिखें, और इस साइड पे के वन ए ही आएगा। पहले रिएक्शन का ये तरीका है, पहले रिएक्शन की इक्वेशन याद रखें के वन ए। अब दूसरे रिएक्शन का रेट, इसके रेट लिखने के भी दो तरीके हैं, या रिएक्टेंट के हिसाब से लिखें, क्योंकि बी कंज्यूम हो रहा है, माइनस डी बी ओवर डी टी, ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का ये तरीका है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो हम क्या करेंगे, इक्वल की साइन लिखेंगे और रेट कांस्टेंट क्या है? के टू, तो बन गया के टू बी। या फिर ये लिखने का तरीका ये है, माइनस डी बी की जगह आप कर दें प्लस डी सी, क्योंकि सी बन रहा है, तो ये भी बराबर आएगा के टू बी के। तो के वन ए है और ये के टू बी है, इसका रेट ये आप लोग देख लो। एक बात और है, ये लिखा है कि इन विच बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप्स आर फर्स्ट ऑर्डर। ए से बी बनने का भी ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो ए की पावर वन आएगी। ये दूसरा रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ बी की पावर वन आएगी। तो जिन लोगों ने पिछला लेक्चर जो है वो नहीं लिया, दो दिन पीछे जो लोग नहीं थे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ पिछले में और इसमें फर्क ये है, बाकी सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, फर्क सिर्फ ये है वहां पे ये था केस इन विच फर्स्ट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। तो हम क्या करते थे, फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो ए की पावर वन और बी की पावर जीरो डाल देते थे। यहाँ फर्स्ट रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ वन और यहाँ भी वन आ गया, बाकी सारी डिस्कशन सेम है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये इक्वेशन लिखने का तरीका किसी को समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये जो पहला रिएक्शन रेट आपने लिखवाया है डी ए ओवर डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर रिएक्टेंट है तो वहां पे ए नहीं आना था? तो ये ए ही मैंने अपनी तरफ से लिखा है। अच्छा अच्छा सॉरी, ये इसके सही लिखा नहीं जाता ना, दो तरीके है ना, या रिएक्टेंट के हिसाब से ये, अगर आपने यहाँ डी ए बाई डी टी लिखना है तो माइनस लिखें, डी बी बाई डी टी लिखना है तो प्लस लिखें, लेकिन ये रिएक्टेंट ही है। अब दोबारा से ये बी लग रहा है, तो ये बी नहीं है,
ये आपके पास एक बाकी सारा जो है ये सेम है हर जगह पे। ये देखें ये लिखा है के वन के बारे में लिखा है कि वो है रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ बी फ्रॉम ए और के टू है रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ सी फ्रॉम ए। तो लिखने का तरीका ये तो मैंने भी बताया था माइनस डी ए बाई डी टी के वन ए तो के वन ए आ गया। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो आपको पता है अगर बटे के नीचे जो कुछ है उसका डेरिवेटिव ऊपर हो तो नेचुरल लॉग आता है माइनस नेचुरल लॉग ए इज इक्वल टू के वन। यहाँ पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये कैंसिल हो गए तो यहाँ के वन टी बना प्लस सी। जब टाइम जीरो होता है तो ए जो है ए नॉट के इक्वल होता है अभी हमने देखा है जीरो टाइम पे। यहाँ ए की जगह पे ए नॉट पुट करें टाइम जीरो ये कैंसिल हो गया सी इज इक्वल माइनस नेचुरल लॉग ए नॉट। सी की जगह माइनस नेचुरल लॉग ए नॉट करें तो दूसरी साइड पे जाके प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट हो गया। देख लें टोटली वही है जो पीछे हमने किया है नेचुरल लॉग ए नॉट और ए जो ये के वन टी बना। अब क्योंकि हमने ए फाइंड करना है इसलिए हम लोग ए ऊपर लेके जाएंगे ए नॉट को नीचे क्योंकि ए नॉट नीचे होगा तो उसको आसानी से दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं। तो जब भी इसके रेसिप्रोकल लेते हैं लॉग के बाद जो भी टर्म उसका रेसिप्रोकल लें तो यहाँ माइनस की साइन आती है। तो अब क्या होगा आप क्या करें अब लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लें माइनस इधर आ गया एंटी लॉग लें तो ई रेस पर माइनस के वन टी ये आ गया। ये सारा कुछ उसी तरह है जैसे पीछे किया कुछ भी चेंज नहीं है इसमें कुछ भी चेंज नहीं है बिल्कुल वही है टोटल वही है। और ये बताता क्या है ये बताता है कि अगर आप लोग मालूम करना चाहें कि किसी भी लम्हे ए की कंसंट्रेशन क्या है तो आप लोगों को इनिशियल कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए और आपको टाइम पता होना चाहिए माइनस के वन इंटू टी। सपोज आप मालूम करना चाहते हैं कि शुरू में 10 मोल थे 5 मिनट बाद कितने मोल रह गए ए नॉट की जगह 10 लिखें टी की जगह पे 5 मिनट लिखें और के वन की कुछ वैल्यू होगी कांस्टेंट जो है तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं टाइम 5 मिनट बाद कितना बाकी रह गया। और यहाँ पे फिर डी बी के बारे में डी बी के बारे में ये देखें आप लोग अब ये आपको पता है ना लिखने के कई तरीके हैं। अब जो दूसरा रिएक्शन है तो वो लिखने का तरीका है अब के वन वाला ये तो छोड़ दे क्योंकि इसके बारे में ऊपर डिस्कशन हो चुकी है। डी बी लिखने का तरीका माइनस डी बी बाई डी टी के टू बी अब दूसरे रिएक्शन की बात हो रही है तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ओवरऑल रेट होगा आप डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू दिस तो बना के वन ए माइनस के टू बी। अब के वन ए अब दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है यहाँ भी वन आएगा यहाँ भी वन। याद रखें जो कुछ हमने पीछे किया है वो सारा यही है लेकिन यहाँ बी की जगह जीरो पुट किया था बी की जगह जीरो पुट करने से बी की पावर जीरो बन गई थी और b की पावर 0 1 आ गया था ये ट्रांसफर खत्म हो गया था सिर्फ k2 रह गया था। तो यहाँ जो है थोड़ा मामला मुश्किल है के वन की पावर a की पावर भी 1 है b की पावर भी 1 है तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो मेरा ये आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग जब यहाँ तक पहुँचे उसके बाद बड़ा टफ किस्म का मैथ अवेलेबल यहाँ पे है आप ये यहाँ भी पहुँचे सारे को आप मैथ वाले सारे छोड़ दें और फिर एंड पे आप लोग जो करें वो ये है मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारे स्टेप्स आप लोग छोड़ दें आप लोग यहाँ तक ये आप यहाँ तक करें वो उस स्टेप के बाद आप लोग डायरेक्ट ये स्टेप याद करें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ बाकी सारे में आप सर मत खपाएं।
आप लोग बाकी पे सर मत खपाएं, सिर्फ ये करें। और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जब टाइम जीरो है तो बी जीरो है, टाइम की जगह जीरो पुट करें आप लोग, कहाँ कहाँ जीरो आएगा, इस टी की जगह भी जीरो आ गया, ई रेस्ट पर जीरो, इस टी की जगह जीरो आ गया। तो ये सारा कुछ पुट करें आप लोग, जब ये सारा कुछ आप लोग, जब टी जीरो है तो बी भी जीरो है, तो बी जीरो पुट किया तो ये भी जीरो हो गया, यहाँ टी जीरो पुट करें ई रेस्ट पर जीरो वन आ गया, तो सी की वैल्यू आ गई। दो ही तो चीजें हैं, बी जीरो पुट करेंगे तो ये वन आ गया, जीरो हो गया, और टी यहाँ पावर में भरें ई की पावर जीरो आ गई, ई की पावर जीरो वन होता है, तो यहाँ सी की वैल्यू आ गई माइनस के वन ए नॉट और के टू माइनस के वन, ये आ गया। तो सी की वैल्यू ये जो आई है, आप सी की वैल्यू यहाँ पुट करें, और फिर ये जो आपने ये वैल्यू पुट की है, आप इसमें से ये चीज कॉमन ले ली, ये कॉमन आता है, कॉमन ले लें, आपके पास ये चीज बन गई। तो अब यहाँ क्या करें आप लोग, ये ई रेस्ट पर के टू टी इधर बटे में आ गए, यहाँ इसको कैसे करेंगे, आपको पता है कि अगर एक्स रेस्ट पर थ्री माइनस फाइव हो, हम अलग अलग करके लिख सकते हैं एक्स रेस्ट पर थ्री इंटू एक्स रेस्ट पर माइनस फाइव, ये लिख सकते हैं। यहाँ भी ऐसे किया, ई रेस्ट पर के टू टी माइनस के वन टी है, तो ई रेस्ट पर के टू टी अलग कर दिया, ई रेस्ट पर माइनस के वन टी अलग कर दिया, ये से कैंसिल हो गया, बाकी ये बचा। और यहाँ तक आप लोगों ने फाइंड कर दिया, बी की कंसंट्रेशन फाइंड कर दिया आप लोगों ने। यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा दिखाना चाहता हूँ ये, और जो पिछला क्वेश्चन किया वो भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये पिछला क्वेश्चन था, सारा सेम है, यहाँ वन है, ये जीरो है, यहाँ जीरो आ जाने की वजह से बी रेस्ट पर जीरो वन हो गया, ये खत्म हो गया, बाकी सारा ये है। ये बाकी सारा, और फिर इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया था, ये इंटीग्रेट किया। अभी जो मैंने कुछ कहा है ना आप लोगों को, वो ये है कि जब आप लोग यहाँ के टू रेस्ट पर बी रेस्ट पर वन लिखेंगे ना, उसके बाद डायरेक्ट आप लोग एंड पे पहुंच जाएंगे, और जैसे ये यहाँ पे एक्सप्रेशन आया है, वहां एंड पे जो डायरेक्ट एक्सप्रेशन होगा वो आप लोग करेंगे, जिसमें यानी इस तरह का एक फार्मूला आपके पास आएगा, वो डायरेक्ट आप लोग रटा लगा के याद करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इतने टफ मैथ में नहीं डाल सकता। पहले मैं ये स्टूडेंट्स को करवाया करता था, लेकिन मुझे लगा कि ये उनके लिए मुश्किल है, मैं अब नहीं करवाता। तो यहाँ पे ये वो जगह है, उधर से ए वन ए रेस्ट पर वन बी रेस्ट पर वन, ये आया, और इसके बाद डायरेक्ट आप लोग जो करेंगे वो ये करेंगे, ये वाला, और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाउंड्री कंडीशन करते हैं, टाइम जीरो है तो बी जीरो है, टाइम जीरो है तो बी जीरो कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए टाइम जीरो है तो बी जीरो है। बी जीरो हो गया, ये सारा जीरो हो गया, यहाँ टी की जगह जीरो पुट करें, ये उसके साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया, ई रेस्ट पर जीरो वन होता है, बाकी यहाँ पे ये चीज रह गई, आप जो है वो सी की वैल्यू जो है यहाँ आप लोग ये बाउंड्री कंडीशन पुट करके यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ सी, और फिर ये सी की वैल्यू यहाँ पुट करें, आपके पास यू विल गेट अब जो है यहाँ तक आपको कर लेंगे, ये साथ साथ करेंगे तो होगा, अदरवाइज आप लोग बर्डनाइज होते जाएंगे, आप बर्डन जो है वो कम करें और साथ साथ करें। मैं ग्रुप के अंदर आप लोगों को बता दूंगा कि जो टेस्ट है वो किस चीज का है।
ओके, अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ ले। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।